आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तरार प्रवक्ता संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि जब भी अब देश का प्रधानमंत्री है उसके साथ सिक्योरिटी कवर होता है। और मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ इससे आगे बढ़कर, अगर सुनिए, 11 साल इनकी 30 साल में सरकार रही, सिक्योरिटी क्यों आज इनको पांचवें चरण के मतदान में याद आ रहा है? सिक्योरिटी ये क्या कर रहे थे? ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया? क्यों जांच एजेंसी नहीं बिठाया? क्यों काम नहीं किया? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, तो बात कर लेने दीजिए पूरी। नहीं, अब आप मत करिए, अब आप मत करिए, अब आप 23 तारीख के बाद करिएगा संसद में। आप रुकिए एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करता हूं 5 सेकंड में कंप्लीट कर। हमारा सवाल ये था कि जब ये इतना जरूरी और इतना आप समझ रहे हैं कि ये आपत्तिजनक है, ये 2013 में भी अखबार में रिपोर्ट छपी थी, उसको एज इट इज जाके प्रधानमंत्री जी ने पढ़ दिया और 5 साल तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। जिस तरह से इस देश के अंदर कोई भी जमा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं है, इसको डिफेंस के रूल और इन सब कानून के हिसाब से देखा जाना चाहिए। ये इंक्रोचमेंट है विदेशी नागरिकों को ले जा करके। आप किसी भी मिलिट्री छावनी में घुसिए, वहां लिखा रहता है कि डिफेंस का एरिया शुरू हो गया है, आप घुस नहीं सकते। तो सारे चैनल और ये जो लोग ना इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इसको डिफेंस में जैसे कोर्ट मार्शल होता है, डिफेंस के जो रूल है उस हिसाब से इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। संजय भाई साहब जो बोल रहे थे, अभी मैं बताऊंगा कि जी ये था वो था, तो आपने कोर्ट केस क्यों नहीं किया, जांच एजेंसी क्यों नहीं बैठाई, अब क्यों उठा रहे? साहब भारत का इतिहास देखिए, 5000 साल पहले भी अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा है, किया है और बुरा बोला है, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, आज भी उसकी चर्चा घर घर में होती है। और आज नहीं सर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, देश की सुरक्षा सम्मान से अगर कोई ऐसा आदमी करेगा तो हजारों साल तक ये गाया जाएगा, भारतीय जनमानस भूलता नहीं है। एक लाइन मुझे और आप बोल लेने दीजिए। देखिए दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जैसे बिरयानी खाने चले गए, ठीक है। देखिए मैंने इसीलिए पहले बोला डिफेंस मैटर इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, प्राइवेट सी का कोई जहाज लेते जाते हैं तो वो ठीक है। आप रिलेशन बनाने के लिए ऑल ऑफ सडन पहुंच जाइए, बिना निमंत्रण के पहुंच जाइए, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बिना निमंत्रण के वो पहुंचे, तो जो पाकिस्तान है जिसको स्वागत करना है उसको आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपको हो रही है। आपने संसाधनों का प्रयोग किया कि नहीं किया? अरे तो पर्सनल यूज के लिए थोड़ी किया सर, आपने किया कि नहीं किया सर? डिफेंस आपने किया कि नहीं किया, ये जरा बताइए। सोशल वर्क और डिफेंस, आप बताइए, नवाज शरीफ या हिंदुस्तानी का वो है डिफेंस सर, मुझे बताइए। फिर उसी पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलते हैं, डिफेंस वर्सेस सारी राजनीति इससे पहले चार दौर में मैंने तो बोला पाकिस्तान में करते रहे और पाकिस्तान कहती है हमारा मोस्ट फेवर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आप इस देश के अंदर वैचारिक आपात क्या लगा रहे हैं और उसमें विदेशियों को घुमा रहे हैं, इस बात का अधिकार नहीं दे रहे कि वो अपनी बात रख पाए? हमारे पैसे वैचारिक आपात का लाइए नहीं, अगर आप करें तो ठीक, अगर दूसरा करें तो गलत है। हमारे पैसे से बना है, अरे भैया विदेशियों के पैसे से INS विराट खैरात में नहीं मिला है, समझे कि नहीं? ससुराल वालों ने दहेज की कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। एके मिश्रा जी एक सेकंड, इटली के ससुराल वालों ने दहेज में नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहुंच गए वहां पे, हमने पे क्या देश प्रयोग कर रहे हैं आप? अपने आप छक्के निशान दीजिए की बात हो रही। यही तो सवाल उठ रहा है, किसी का नाम नहीं, यही सवाल उठ रहा है। ठीक है सिन्हा साहब, यही सवाल उठ रहा है। ठीक है सिन्हा साहब INS विराट दहेज में मिल गया था, चल रहा है कितने एंकर थे यहाँ पर उसके लिए परफेक्ट आदमी है बोलना। कंटिन्यू करें सर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक चीज था। वो ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं थे, वो मनोरंजन के लिए गए थे, अयाशी करने के लिए गए थे। अयाशी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विराट एक बहुत सेंसिटिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जैसे आपने कहा जब वो मूव करती है तो उसके साथ पूरा स्कॉट मूव करता है।
खर्चे की बात तो छोड़ दीजिए आप, मैं पूछना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे 6 फॉरेन नेशनल्स थे जिसमें 6 इटालियन थे और 2 और फॉरेन नेशनल्स थे, वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर पे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक एक कैंटोनमेंट में एक फॉरेनर नहीं घुस सकता, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर पे कोई भी घुस सकता है? सवाल यह है कि पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। दूसरी बात है कि चर्चा यह भी चल रही है कि कॉटरेसी भी उसमें प्रेजेंट थे। जो कॉटरेसी का बफोर स्कैंडल में 1987 में इतना बवंडल खड़ा हुआ, उसको आप 26 दिसंबर 1988 को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर में ले जाते हैं। ये सोच जो पैदा होती है नेहरू परिवार का, वो मैं बहुत ब्लंटली शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये सोच इस चीज से पैदा होती है कि अरे संजय सर दहेज में नहीं मिला था इटली से, वो चले गए। संजय जी को इसी पर जवाब बात चुप रही है।